आत्मीय स्वजनों, जय श्री कृष्ण। आज 3 दिसंबर 2022 का दिन मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि मेरे प्रिय, मेरे आत्मीय, मेरे अभिन्न लंदन सिद्धाश्रम के स्थापक और उसका विस्तार करने वाले, पश्चिम की भूमि में रहकर के भारतीय संस्कृति का संवर्धन करने वाले प्रिय पूज्य राजराजेश्वर जी 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अत्यंत संक्षेप में कहूं, मुझे उनके जीवन में 3 बातें दिखाई पड़ रही, क्योंकि हमारा संबंध पिछले 25 से अधिक वर्षों का है। मैंने देखा है कि पूज्य राजराजेश्वर जी विषमता से समता की ओर गति करते हैं। धीरे 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 उनमें जो स्थिरता मैं देख रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और ये स्थिरता साधना का परिणाम है, सत्संग का परिणाम है। दूसरी बात जो मैंने उन्होंने देखी, विसंगति से सुसंगति की ओर जा रहे हैं। और यही तो संत का लक्षण है। जो अपरेंटली एडवर्स जो हो, एक दूसरे के विरोधी हो, उनमें भी साथ में रख करके, अब देखिए वो राजनीतिज्ञ लोगों के साथ भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी होते हैं, डिप्लोमेट्स के साथ भी होते हैं, संतों के साथ भी होते हैं, अत्यंत सामान्य व्यक्ति के साथ भी होते हैं। तो ये समाज जो अलग 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 भिन्नता बताता है, पूज्य राजराजेश्वर जी उन सभी में सुसंगति बताते हैं, बनाते हैं। और तीसरी बात, पिछले 25-30 वर्षों के उनके जीवन को जो मैंने देखा है, विपरीतता से समानता की ओर आ रहे हैं। जीवन के कई रंगों को आपने देखा है और उन सभी में से बहुत स्वस्थता पूर्वक, बहुत शांति पूर्वक, समता पूर्वक, भगवद गीता में जो कहा कि समत्व योग उच्यते, इक्वानिमिटी इज द योग, तो इक्वानिमिटी ऑफ माइंड रख के सारी परिस्थिति को पार करते गए और जितने व्यवधान आए उनको सीढ़ी बना करके सफलता की ओर चलते गए। मित्र तो है लेकिन छोटे भी हैं मुझसे, तो व्यासपीठ के अधिकार से आपको शुभकामनाएं भी दूं और आशीर्वाद भी प्रदान करूं। अभी तो केवल 50 वर्ष हुए हैं, जीवन आगे और बहुत सुंदर बने। धर्म की, संस्कृति की और राष्ट्र की सेवा करने की ऊर्जा आपको माँ भगवती परांबा से प्राप्त होती रहे और ऐसी आपकी दिव्यता बढ़ती रहे, समाज आपसे अधिक से अधिक लाभान्वित होता रहे। बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद।